एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 15 समर मेकअप हैक। ये हैक बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, बहुत सिंपल है। अब अपने एवरीडे मेकअप में इन्हें यूज कर सकते हैं। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, वाटरप्रूफ बनेगा, स्मच प्रूफ बनेगा। सो देख लेते हैं कौन कौन से हैक है। पर उससे पहले प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी आप शावर लेके आएंगे, अपनी बॉडी पे एक अच्छा सा लोशन लगाना, मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहाने के बाद हमारे बॉडी के पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, उनमें एक अच्छा सा लोशन लगाना जरूरी है। अदरवाइज हमारी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो सकती है, ड्राई हो सकती है, उस पर फ्लेकीनेस की बहुत ज्यादा इशू हो सकता है। चाहे आप समर में हो, चाहे विंटर में हो, या कोई भी मौसम हो, आपको हमेशा एक अच्छा लोशन लगाना जरूरी है। जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ करंटली वाव स्किन साइंस का एलोवेरा लोशन। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 399, जिसमें आपको मिला 300 ml ऑफ प्रोडक्ट। वाव के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मिनरल फ्री है, कैपेराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डला हुआ है। इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है शिया बटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को सूथ करने में हेल्प करता है। एंड ये बहुत ज्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, लोशन है, तो डेफिनेटली आप इसे शावर के बाद यूज कर सकते हैं। लोशन बहुत जल्दी हैवी हो जाते हैं, बट ये वाला बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तो आप समर में एलोवेरा वाला रेंज का ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज में कोको वेरिएंट भी आता है, शिया बटर वेरिएंट भी आता है, वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट वो इसके कंपेरिजन में थोड़े से ठीक है, तो समर में आप ये वाला यूज कर सकते हैं। जब भी आप शावर लेके आते हैं तो आप अपने फेस को भी शेव कर सकते हैं, या फिर आप मेकअप से पहले भी शेव कर सकते हैं। शेविंग करना बहुत इजी रहता है, आप चाहे तो वैक्सिंग भी कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं शेविंग प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है। तो इससे आपके फेस पे जो भी फेशियल हेयर है वो जल्दी से रिमूव हो जाते हैं, और पेनलेस मेथड है, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूज करती हूँ इस तरह का रेजर। ये मिनीसो पे आपको मिल जाएगा, मिनीसो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, या फिर आप कोई भी ब्रांड का आईब्रो रेजर, फेशियल रेजर यूज कर सकते हैं। इससे आप आईब्रो के हेयर को रिमूव कर सकते हैं, फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट रहता है। नेक्स्ट हैक है, अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि आप पार्लर में जाएं आईब्रो करवाएं, क्योंकि जल्दी हम जाते नहीं है, हर 15 डेज में 30 डेज में हर गर्ल्स जाती है, मैं तो दो दो महीनों जाते मैं नहीं जाती हूँ, और इसलिए आप क्या कर सकते हैं, घर में ही अपनी आईब्रो को कर सकते हैं। उसके लिए ना आप ट्वीजर ले सकते हैं। सो ट्वीजर से भी बहुत इजीली निकल जाता है, मेरे पास एक इस तरह की किट है। सो ये से मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, तो ये इस तरह की है, इसमें आपको यहाँ पर सारे टूल्स मिल जाते हैं। सो एक प्लग कर ट्वीजर जिससे भी बोलते हैं, तो इस तरह का होता है, इससे आप अपने आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए आपको पार्लर भी बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्लर तभी जाना चाहिए जब आपकी पूरी आईब्रो आ जाए, अदरवाइज आपकी चॉइस है, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ जब तक पूरी नहीं आती है। तो अदरवाइज जो भी आपके एक्स्ट्रा हेयर है वो आप प्लकर से भी निकाल सकते हैं। समर आ गई है तो हम कोई भी थिक मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते, फेशियल ऑयल नहीं लगा सकते, तो इस टाइम रहता है बेस जो सीरम लगाना, सीरम वो भी जो हमारे जेल बेस सीरम होते हैं। ऑयल बेस सीरम आपको इस टाइम नहीं लगाना चाहिए, आप यहाँ फिर लाइट वेट कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, या फिर आप जेल बेस्ड कोई सीरम लगा सकते हैं। करंटली मैं जो यूज कर रही हूँ वो है वाव स्किन साइंस का उपटन फेस सीरम। इसमें उपटन है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है और सैफ्रन एक्सट्रैक्ट है, तो समर में जो डीपिगमेंटेशन हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है, और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये इस तरह का टेक्सचर है, यू कैन सी ये जेल बेस्ड टेक्सचर में है, इजिली आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को, तो डेफिनेटली आप इस तरह के सीरम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं करंटली ये वाला यूज कर रही हूँ, आप कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मेकअप लगाने से पहले अपने पोर्स को बंद करना जरूरी रहता है, क्योंकि हमें जनरली लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली टी जोन के अराउंड। तो मेकअप लगाने से पहले आप कोई भी एक अच्छा सा प्राइमर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर लगा रही हूँ, ये परफेक्ट सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो इससे पोर्स ब्लर आउट हो जाएंगे। पूरे फेस पे प्राइमर लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, सिर्फ टी जोन पे अप्लाई करें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चिन के पास में मुझे लार्ज पोर्स का इशू है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ।
भी आप फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं, बेबी क्रीम लगाते हैं, तो फेस बहुत ज्यादा फ्लैट लगता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ कंटूर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो फेस इससे बहुत ज्यादा स्लिम लग रहा है। और जिनका फेस थोड़ा सा फैटी है मेरी तरह, तो उनको तो कंटूर की नीड पड़ेगी ही। अगर आप स्लिम गर्ल्स हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा पार्ट है, आप कंटूर स्किप कर सकते हैं। तो इस कंटूर पैलेट की जगह आप इसी में से ये वाला कलर ले सकते हैं। तो ये वर्सेटाइल पैलेट है, इससे आप कंटूर भी कर सकते हैं। इसमें हाइलाइटर शेड भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट समर में हाइलाइटर मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी ग्लिटर शेड नहीं अप्लाई करा। नेक्स्ट है, जब भी आप काजल लगाते हैं तो वो ऐसा यूज करें जो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक फेसिस कनाडा का और दूसरा था मेरे पास प्लम का। तो मैं प्लम वाला यूज कर रही हूँ क्योंकि वो वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, 12 आवर्स तक स्टे करता है। तो वो मैंने लोअर लैश लाइन पे और अपर वाटर लाइन पे भी अप्लाई करा है। इस टाइम आप आईलाइनर अवॉइड करें क्योंकि आईलाइनर में बहुत ज्यादा केमिकल होता है और सब पसीना आने की वजह से वो आंखों में जला जा सकता है। इसलिए आप इस टाइम आईलाइनर अवॉइड करें। आप चाहे तो लगा सकते हैं बट मैं पर्सनली यूज नहीं करती। तो काजल को ही आप अपनी अपर वाटर लाइन पे और लोअर वाटर लाइन, मतलब ये दोनों आईलिड पे अप्लाई कर लें, इससे टाइट लाइन बन जाएगी एंड साथ में आप ये स्मोक आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको ही सेट करने के लिए मैंने इसी पैलेट में से ये ब्लैक शेड लिया है और लोअर लैश लाइन को सेट करा है क्योंकि सिर्फ काजल लगता लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता समर में, तो मेरी आईज बहुत ज्यादा वॉटरी हैं, तो इसलिए मैंने इसके कलर से टॉप अप करा है ताकि अच्छे से सेट हो जाए और अगर पसीना भी आए, आंखों से पानी भी आए, तो वो बिल्कुल भी ब्लेड ना करे। नेक्स्ट है, अगर आपको आईलाइनर नहीं पसंद, काजल नहीं पसंद, तो अपने आईलैशेज को कर्ल दिखाने के लिए आप मस्कारा यूज कर सकते हैं। बट मस्कारा लगाने से पहले एक अच्छा सा आईलैश कर्लर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेगा का यूज कर रही हूँ। आईलैश कर्लर से अच्छे से कर्ल कर लें अपनी आईलैशेज को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे वॉल्यूम बहुत अच्छा मिलता है। तो उसके बाद आप कोई भी मस्कारा यूज कर सकते हैं। अगेन ये भी मेरी किट में रहता है, तो ये है मेबलिन का टोटल टेम्पटेशन मस्कारा। इसका एप्लीकेटर बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छी तरह से आपको लैशेज में वॉल्यूम मिल जाती है, जैसा कि आप देख भी सकते हो। ये लगा सकते हो, ये 100% वाटरप्रूफ है, तो इससे आपकी आईलैशेज बहुत अच्छे से वॉल्यूमिनस रहेंगी और बिल्कुल भी ब्लेड नहीं होगी। चेक, अगर आपको ब्लश लगाना है या फिर थोड़ा सा पिंकी कलर पसंद है, तो डायरेक्ट ब्लश ना लगा के आप क्या कर सकते हैं, लिपस्टिक को अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेके सेम ब्रश या फिर जो आपने स्पंज लिया था फाउंडेशन के लिए उससे अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक बहुत अच्छा नेचुरल कलर आपको मिलता है, साथ में आपका जो फेस है वो भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिखता है। तो यहाँ पर मैं लॉरेल की लिपस्टिक पहले अपने हाथ पे लगा रही हूँ, पिंक शेड की 121 इसका शेड है। उसके बाद जो मैंने ब्रश अपने फेस पे फाउंडेशन लगाने के लिए यूज करा था, उसी से मैं अपने फेस पे ब्लश पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा नेचुरल लुक आता है और नेचुरल लुक आने के साथ साथ आपका फेस भी बहुत अच्छा सुंदर सा दिखता है, तो इसलिए आप इस हैक को भी ट्राई कर सकते हैं। अब समर आ गए हैं और साथ में कोरोना का भी टाइम है, तो हम मास्क लगाते ही हैं। तो आप क्रीमी बेस्ड लिपस्टिक की जगह एक डैमी जो मैट फिनिश वाली लिपस्टिक होती है वो यूज कर सकते हैं, या फिर एक लॉन्ग लास्टिंग यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमेशा दो लिपस्टिक कैरी करती हूँ, एक ही ये वाली जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, ये है लॉरियल की इन द शेड 121 आई क्यू। इसी को मैंने ब्लश के लिए लगाया था, तो सबसे पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। उसके बाद इसको मैं सेट कर लेती हूँ कॉम्पैक्ट से ताकि ये बिल्कुल भी ब्लीड ना करे। इसका फॉर्मूला बहुत लाइट वेट है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, चाहे आप इसे ऑयली प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी कंज्यूम कर लो, बिल्कुल भी ये नहीं निकलती, तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप नायका की लिपस्टिक आती है जो मेटेलिशियस लिप क्रियोन इन द शेड मोकासिन, वो भी मेरे पास है, वो मैं बहुत यूज करती हूँ, वो भी यूज कर सकते हैं, ये भी ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती, तो आप ये दोनों लिपस्टिक हमेशा अपने साथ कैरी करें। नेक्स्ट है, समर में हमें सबको बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसकी स्मेल बहुत वियर्ड लगती है, और अगर हमारे पास कोई हो और वो उसको स्मेल आ जाए तो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट हो जाता है। इससे बचने के लिए आप हमेशा एक परफ्यूम कैरी करें। मैं यहाँ पर जो यूज करती हूँ वो है बॉडी क्यूपिड का गोल्डन ओरियंट एक्वा द परफ्यूम, ये इस तरह का है, यू कैन सी ये कॉन्टिन्यूसली यूज करो, यहाँ तक आ गया। तो इसको आप अपने नर्व्स पॉइंट पर अप्लाई कर सकते हैं। परफ्यूम लगाना समर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्मेल गुड नहीं करोगे, अच्छा सा स्मेल नहीं आएगा आप में से, तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा समर में एक परफ्यूम जरूर रखो, इसको आप कैरी भी कर सकते हो, या फिर आप अगर छोटे वाले जो वर्जन आते हैं, जैसे एक और आता था पॉकेट परफ्यूम आते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं ये वाला ले लेती हूँ और मैं इसको कैरी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, बहुत माइल्ड है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत जेंटल है ये, इसीलिए।
हमेशा अपने साथ एक इस तरह का पाउच कैरी करो, इसमें अपने मेकअप की सारी एसेंशियल चीजें आप डाल सकते हो। मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या डाला हुआ है इसमें। मेरे पास कॉम्पैक्ट है, लिपस्टिक है, मस्कारा है, काजल है, कोम है, दो लिपस्टिक हो गई और परफ्यूम, ये सब मैं कैरी करती हूँ। और साथ में मैंने जो आपको एक किट दिखाई थी, ये वाली किट भी मैं हमेशा रखती हूँ। ये किट आपको मिनीसो पे मिल जाएगी, मेरे को शुगर की तरफ से फ्री मिली थी। सो इसमें आप देख सकते हो ये सारे इक्विपमेंट है। नेल कटर मिल जाएगा, नेल फाइलर मिल जाएगा, ट्वीजर मिल जाएगा और एक सीजर है। ये आपको कभी भी काम आ सकती है, स्पेशली गर्ल्स के पास ये होनी चाहिए क्योंकि कई बार हमारे नेल्स कहीं पर अटक जाते हैं और वो हमसे बार बार निकालने लगते हैं क्योंकि हाथ बार बार यहीं जाता है। तो इसमें आपको सारे जरूरत के टूल्स मिल जाएंगे। तो हमेशा एक इस तरह की किट में इन्वेस्ट करें, बहुत चीप है। आपको मिनीसो की 150 रुपीज की मिल जाएगी, वो भी अमेजोन पे, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, यही थे मेरे कुछ समर हैक्स जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। इसी तरह के मोर सच हैक देखने के लिए, मोर सच वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दो ताकि आपको हर बार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए या फिर इसके हैक बहुत यूजफुल लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।